everyone, welcome back to Frescon Academy, and we are studying the chapter called as reproduction in flowering plants. We are dealing with sexual reproduction in flowering plants. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द प्रोसेस कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे हमने देखा था किस तरह से मेल गैमेट ने फर्टिलाइज किया फीमेल गैमेट को. ओके, एंड देयर वर टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व कॉल्ड एज सिंगामी एंड ट्रिपल फ्यूजन. एग्जैक्टली, तो चलो चलते हैं और देखते हैं फटक से. ओके, क्या देखा हमने लास्ट लेक्चर में? हमने देखा दैट ये है हमारा कार्पेल, हमारे कार्पेल में है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. सो दिस इज द सोलन बेस, जिसको हमने बोला था ओवरी, राइट? हमने देखा था हमारे ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और याद है हमने देखा था न्यू सेलस होता है. न्यू सेलस के आजू बाजू में इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट, राइट? सो दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स विच आर प्रेजेंट. हमने देखा था दैट दिस इज अटैच टू द ओवरी with the help of a tube, okay? So with the help of a tube, and that tube is basically nothing but your funicle, okay? Stalk. हमने देखा था that this end is called as the micropylar end, and this end is called as the callosal end, okay? हमने देखा था इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल से धीरे धीरे बनने लगता है मेगास्पोर, जो डेवलप होता है इन द फॉर्म ऑफ एन एम्ब्रियो, इन द फॉर्म ऑफ एन फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक. ओके, एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे हमारी एग सेल और उसके आजू बाजू में हमारे सिनर्जिड्स, एंड ये वाले एंड में है हमारे एंटीपोडल्स, और सेंटर में है हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस, राइट? अब हमने ये भी देखा था कि किस तरह से पोलन ग्रेन आता है पॉलिनेशन के बाद, एंड हमने देखा था दैट पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, देयर इज अ डायलॉग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, एंड दिस जर्मिनेट्स टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज अ पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब के थ्रू टू मेल गैमेट्स विल ट्रेवल नियर द फीमेल गैमेट. अब हमारे पास दो मेल गैमेट है और ये मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू जाएगा इन द सिनर्जिड. सिनर्जिड में था फिलिफॉर्म अपैरेटस, और हमने देखा था दैट वन ऑफ द सिनर्जिड इज रप्चर एंड द पोलन ट्यूब एंटर्स. ओके, हमने देखा मेल गैमेट रिलीज हो गए, द फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद दिस एग सेल. ओके, तो लेट अस सी, सबसे पहले द मेल गैमेट हमने देखा था फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, राइट? अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, ये बनने के प्रोसेस को हमने बोला था सिनगामी. सुपर, हमने देखा सिनगामी के बाद जाइगोट बना. हमने ये भी देखा कि हमारा सेकेंड मेल गैमेट विल फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो हमने देखा था दैट द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉइड, एंड दिस फ्यूजन वॉज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. तो ये तो फटाफट हमारा रिविजन रहा, एंड क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वी सिंपली कॉल इट एज डबल फर्टिलाइजेशन. नाउ डबल फर्टिलाइजेशन के दो प्रोडक्ट्स क्या बने? एक बना जाइगोट और दूसरा बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अब फर्दर क्या होने वाला है, लेट अस सी. जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना, देयर आर समथिंग कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. अब सबसे पहले तो याद रखो, तुम्हारे पेटल का काम क्या था? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. तो तुम्हारा पेटल धीरे धीरे झड़ने लगेगा, इवन तुम्हारे एंथर्स झड़ने लगेंगे. सो एसेसरी वर्ड्स जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो झड़ने लगेंगे, बट एट टाइम्स सेपल बचा रहेगा, बिकॉज रिमेम्बर सेपल का काम था टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन. चलो देखते हैं हमारे ओवरी ओव्यूल एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या हो रहा है. ओके, अब द फर्स्ट थिंग इज हमें जाइगोट से बनाना है एम्ब्रियो. तो द नेक्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज जाइगोट विल डेवलप इन टू एम्ब्रियो बाय द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस. ओके, एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल अगेन डिवाइड, एंड इट विल गिव राइज टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज
एंडोस्पर्म। अब ये जो एंडोस्पर्म है ये है न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड इट इज ऑल्सो ट्रिप्लॉइड। रिमेंबर द टाइप ऑफ डिविजन इन्वॉल्व इन बोथ द केसेस, जाइगोट से एम्ब्रियो और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म, ये दोनों भी डिविजन कौन सी है, माइटोसिस, दैट इज इक्वेशनल डिविजन। अब एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिए राइट, और नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म। तो कैन यू विजुअलाइज दैट एम्ब्रियो डेवलपमेंट या एम्ब्रायोजेनेसिस के पहले एंडोस्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा राइट। सो अब यहां से बनेगा एंडोस्पर्म और यहां से बनने वाला है एम्ब्रियो। लेट अस सी सबसे पहले किस तरह से बनता है एंडोस्पर्म। एज आई सेड डाइकॉट, ओके, डाइकॉट में यू विल सी या एंजियोस्पर्म्स में यू विल सी दैट द एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड एंड इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ नरिशमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट तीन अलग अलग तरीके से होता है, ओके। सो देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में द फर्स्ट टाइप दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज हेलोबियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ओके। अच्छा चलो नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर डिविजन से लेकर कुछ तो होगा एंड सेल्यूलर मतलब कंप्लीट सेल डिविजन से लेकर कुछ होगा, तो देखते हैं क्या होता है। न्यूक्लियर में ये जो तुम्हारा एंडोस्पर्मिक सेल है दैट इज तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ट्रिप्लॉइड। नाउ दिस सेल विल अंडरगो डिविजन बट इट विल ओनली अंडरगो कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, ओनली न्यूक्लियर डिविजन। कैरियोकाइनेसिस से सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे न्यूक्लियाई बनने लगेंगे, ये न्यूक्लियाई बनेंगे और धीरे धीरे ये न्यूक्लियाई को पुश कर दिया जाएगा टूवर्ड्स द पेरीफेरी। सो रिमेंबर आई एम ड्रॉइंग सो मेनी थ्री एंड दीज आर ओनली न्यूक्लियाई बिकॉज ओनली क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस एंड यू विल सी दैट दे विल बी पुश टूवर्ड्स द पेरीफेरी, जिसकी वजह से सेंटर में तुमको बहुत अच्छा खासा बड़ा वैक्यूल देखने को मिलेगा। अब ये न्यूक्लियर डिविजन तो हो जाएगा बट बाद में ग्रेजुअली, रिमेंबर ग्रेजुअली न्यूक्लियर डिविजन विल बी फॉलोड बाय व्हाट, सेल डिविजन। मतलब यू विल सी दैट पूरा न्यूक्लियर डिविजन होने के बाद इनके आजू बाजू में क्या बनने लगेगा, सेल वॉल बनने लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो पहले सिर्फ न्यूक्लियर डिविजन हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, सेल वॉल का डिविजन हुआ, धीरे धीरे अंदर का वैक्यूल भी ओवरटेक कर लिया जाएगा and this is how the endosperm will develop. So this is a triploid endosperm, okay. Now this type of endosperm development is found in plants like wheat, remember. So it is found in plants like wheat and it is found in plants like coconut. Now ek cheez yaad rakho, coconut, coconut ka pani hum aksar peete hain, क्यों पीते, बिकॉज कोकोनट का पानी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है राइट। अब तुमने अगर ध्यान दिया होगा तो कोकोनट का पानी अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ क्या है, तुम्हारा खोबरा दैट इज नारियल है राइट। सो दैट लिक्विड विच वी ड्रिंक इज नथिंग बट एंडोस्पर्म, विच एंडोस्पर्म, न्यूसेलर, दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंड उसके आजू बाजू में जो एंडोस्पर्म है दैट इज नथिंग बट योर सेल्यूलर एंडोस्पर्म, दैट इज ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो चुका है। तुम बोलोगे मैम कोकोनट में एंडोस्पर्म है मतलब एम्ब्रियो भी होगा कहीं ना कहीं, ओके यस है। तुम्हारी कोकोनट में अगर तुम देखोगे तो दो आंखें दिखती है, देखो ऊपर डॉट्स दिखते हैं ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के, उसके नीचे होता है हमारा एम्ब्रियो और ये नरिशमेंट का काम कौन कर रहा है, एंडोस्पर्म। सो यहाँ पे दो टाइप का एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर एज वेल एज सेल्यूलर, ओके। नाउ लेट अस गो अहेड एंड सी द सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में पहले से ही याद रखो यहाँ पे पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। मतलब यू विल सी इसमें अगर ये 3N वाला तुम्हारा सेल है तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू विल सी दैट न्यूक्लियर डिविजन भी होगा
और साइमल्टेनियसली सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो जाएगा. सो देयर विल बी न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन दैट विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड दैट इज अबाउट सेल्यूलर. रिमेंबर सेल्यूलर एंडोस्पर्म पाया जाता है इन प्लांट्स लाइक बाल्सम, इन प्लांट्स लाइक पिच्यूनिया. सो पिच्यूनिया, बाल्सम, अडोक्सा, ADOXA, ओके अडोक्सा, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाता है हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म. बट तुम बोलोगे कि मैम सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है. रिमेंबर सबसे ज्यादा कॉमन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, सो देयर इज बेसिकली सेल वॉल फॉर्मेशन हियर. ओके सो सबसे कॉमन एंडोस्पर्म कौन सा है. सबसे कॉमन एंडोस्पर्म है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो अराउंड 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में पाया जाता है. सेल्यूलर भी पाया जाता है अराउंड 72 फैमिलीज इन एंजियोस्पर्म. सो द मोस्ट अबंडेंट इज न्यूक्लियर. अच्छा चलते हैं हेलोबियल. अब ये हेलोबियल है क्या. हेलोबियल ना इंटरमीडिएट है. ओके मतलब न्यूक्लियर भी है और सेल्यूलर भी है. बट हेलोबियल बहुत ही कम पाया जाता है. इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स ऑफ द ऑर्डर, याद है ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज राइट. सो ऑर्डर हेलोबियल्स, हेलोबियल्स नाम के ऑर्डर के प्लांट्स में ही पाया जाता है हेलोबियल एंडोस्पर्म. अब इसमें क्या होता है, तुम्हारा ये जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस राइट. अब इसमें से यू विल सी वन एंड इज टुवर्ड्स द कलाजा एंड द अदर वन इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल. ओके अब यहाँ पे सबसे पहले इफ इट इज ट्रिप्लॉइड तो सबसे पहले एक सेल डिविजन होगा. ओके ये जो सेल डिविजन होगा, ये सेल डिविजन से दो अनइक्वल सेल्स बन जाएंगे, एक टुवर्ड्स द कलाजल एंड और दूसरा टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. कलाजल एंड वाला छोटा है, माइक्रोपाइलर एंड वाला बड़ा है. तो रिमेम्बर यहाँ पे सेल डिविजन हो चुका है, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन हो चुका है. अब ये जो दोनों सेल्स है, दीज सेल्स विल डिवाइड, बट कैसा, ओनली कैरियोकाइनेसिस. मतलब पहले हुआ सेल डिविजन एंड अब सिर्फ न्यूक्लियस विल डिवाइड. सो देयर विल बी फ्री न्यूक्लियस विच विल बी लाइंग इन दिस सेल एज वेल एज दिस सेल. सो है ना गजब की बात. इट इज एन इंटरमीडिएट. पहले इसमें क्या हुआ, सेल डिविजन हुआ एंड द नेक्स्ट वन क्या हुआ, न्यूक्लियर डिविजन होना शुरू हुआ. दिस इज फाउंड एज आई टोल्ड यू एक्सक्लूसिवली इन द फैमिली दैट इज इन द ऑर्डर दैट इज हेलोबियल्स. इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है एस्फोजीलस. ओके सो सिंपल एग्जाम्पल है एस्फोजीलस, जस्ट ट्राई एंड रिमेम्बर दिस नेम. सो एस्फोजीलस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोबियल. ओके ना अगर एंडोस्पर्म बनना शुरू हो गया तो ध्यान से देखो एंडोस्पर्म कहाँ बनने वाला है. एंडोस्पर्म तो यहाँ बन रहा है. धीरे धीरे हमारे एंटीपोडास डीजनरेट हो जाएंगे, सिनर्जिड्स डीजनरेट हो जाएंगे और एम्ब्रियो सैक में सिर्फ ये बचेगा. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनना शुरू हो गया. सो दिस इज हाउ द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म विल नाउ जस्ट टेक ओवर द एंटायर एम्ब्रियो सैक एंड नाउ द एम्ब्रियोनिक और एम्ब्रियोजेनेसिस विल टेक प्लेस. ओके चलते हैं और देखते हैं हाउ डज एम्ब्रियोजेनेसिस टेक प्लेस. ओके ना जाइगोट से बनाना है एम्ब्रियो और ये है तुम्हारा जाइगोट जो कि प्रेजेंट है टुवर्ड्स दिस एंड दैट इज माइक्रोपाइलर एंड. अब सबसे पहली चीज जो होने वाली है जाइगोट में वो है एक सेल डिविजन. यहाँ पे एक सेल डिविजन होगा एंड व्हेन द सेल डिवाइड्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू अनइक्वल सेल्स. ओके सो देयर विल बी फॉर्मेशन. पहले ये था तुम्हारा सिंगल सेल जाइगोट दैट इज 2n. ओके अब ये 2n माइटोसिस करेगा और इससे बनने वाले हैं दो सेल्स. अब ये जो दो सेल्स है उसमें से तुम देखोगे एक सेल है विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड और दूसरा है टुवर्ड्स द कलाजल एंड. ओके सो फॉर मी आई एम ड्रॉइंग दिस एज द माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस एज द कलाजल एंड. माइक्रोपाइलर एंड पर जो सेल है उसको हम बोलेंगे सस्पेंसर इनिशियल. क्या बोलेंगे, सस्पेंसर इनिशियल. और जो ऊपर वाला है टुवर्ड्स द कलाजल एंड रिमेंबर इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल इनिशियल. सो देर आर टू इनिशियल प्रोड्यूस, कौन कौन सा, एम्ब्रियोनल एंड सस्पेंशियल.
ओके नाउ ये जो सस्पेंशन इनिशियल है इसको हम लोग बेसल सेल भी कहते हैं और जो ऊपर वाला है क्योंकि वो ऊपर है तो इसको हम लोग टर्मिनल सेल भी कहते हैं। अब ये कितने सेल स्टेज है? दो सेल स्टेज है। ये दो सेल स्टेज के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। ओके क्या बोलेंगे? प्रो एम्ब्रियो। सो प्रो एम्ब्रियो कितना स्टेज का है? दो सेल का है। एक नीचे वाला टूवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर एंड सस्पेंसर, ऊपर वाला इज एम्ब्रियोनल। ओके नाउ लेट अस सी। सो नाउ द नेक्स्ट डिविजन विल बिगिन इन द सस्पेंसर सेल। ओके दिस सस्पेंसर सेल विल ग्रेजुअली डिवाइड टू फॉर्म अ लीनियर। ओके लीनियर स्ट्रक्चर। सस्पेंसर सेल डिवाइड करेगा तो ये हमारा सस्पेंसर सेल, और ये सस्पेंसर सेल ने डिवाइड किया डिवाइड किया डिवाइड किया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, और डिवाइड करके एक रो ऑफ सेल्स बना दिया। ये रो ऑफ सेल्स में जो सबसे नीचे वाला द लोअर मोस्ट सेल ऑफ दिस सस्पेंसर इज स्वोलन एंड दिस लोअर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज हॉस्टोरियम। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? हॉस्टोरियम। सो हॉस्टोरियम इज द लोअर मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर। ओके एंड दिस सेल द अपर मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर। ओके दिस द अपर मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। सो रिमेम्बर द लोअर मोस्ट इज ऑस्टोरियम एंड द अपर वन इज हाइपोफाइसिस, और इसके ऊपर है हमारा एम्ब्रियोनल इनिशियल। सो दिस इज आर एम्ब्रियोनल इनिशियल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके अब एम्ब्रियोनल इनिशियल से इमीजिएटली जुड़ा हुआ है हमारा हाइपोफाइसिस। अब ये सस्पेंसर, ये जो है ये रो ऑफ सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसर, इसका फायदा क्या है? रिमेंबर ये वाला सेल अभी डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाने वाला है, बट ये कहाँ है? यहाँ पे है राइट, और ये है तुम्हारे सस्पेंसर के सेल्स। अब डू यू रियलाइज दैट हमें अगर एम्ब्रियो को नरिशमेंट दिलाना है तो ये एम्ब्रियो को कहाँ जाना पड़ेगा? एंडोस्पर्म के अंदर जाना पड़ेगा। तो एंडोस्पर्म के अंदर पुश करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं इसको एंडोस्पर्म के अंदर तक के घुसाना पड़ेगा। सो ये जो काम है एंडोस्पर्म के अंदर तक के पुश करने का काम, ये कौन कर रहा है? हमारा सस्पेंसर। सो व्हाट इज द रोल ऑफ सस्पेंसर? टू पुश द एम्ब्रियो इनसाइड द एंडोस्पर्म सो दैट नरिशमेंट इज इजीली अवेलेबल। अब लेट अस टॉक अबाउट द एम्ब्रियोनल इनिशियल। एम्ब्रियोनल इनिशियल इनिशियली ओके शुरुआत में तीन डिविजन करेगा एंड ऑल द तीन डिविजन आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। रिमेम्बर ऐसा ऐसा एंड ऐसा। ओके सो इमेजिन द थ्री एक्सिस एक्स वाई जेड, इट विल डिवाइड एंड इट विल डिवाइड एक दो तीन, मतलब राइट एंगल्स टू ईच अदर। जब ये राइट एंगल्स टू ईच अदर डिवाइड करेगा ना, इट विल, आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस, ओके, इट विल गिव राइज टू समथिंग कॉल्ड एज एन ऑक्टेंट। एक से दो, दो से चार, चार से आठ सेल्स बनेंगे। सो इनिशियली दीज थ्री डिविजन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एन ऑक्टेंट। अब ये जो ऑक्टेंट है, ध्यान रखो, ये ऑक्टेंट वाले स्टेज को ही हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो इज नथिंग बट एट सेल ऑक्टेंट अलोंग विद सस्पेंसर। अब ये जब आठ सेल्स बने तो हम थ्री डायमेंशन में देख रहे हो उसको। ओके तो याद रखो सारे सेल सामने नहीं दिखेंगे। इमेजिन अ बॉल, और बॉल को तुम आठ हिस्सों में काट दो तो तुम देखोगे कुछ सेल्स नीचे है, कुछ सेल्स ऊपर है, कुछ सेल्स आगे है, कुछ सेल्स पीछे है। सिमिलरली ये ऑक्टेंट में भी दो टायर्स बनेंगे। ओके दो लेयर्स बनेंगे, एक लेयर ऊपर है और एक लेयर नीचे है। अब ऊपर वाले लेयर में आगे पीछे आजू बाजू ऐसे करके चार सेल्स हैं, और नीचे वाले लेयर में भी आगे पीछे आजू बाजू ऐसे करके कितने सेल्स हैं? चार सेल्स हैं, जस्ट रिप्रेजेंटेशनल पर्पस। ओके सो देयर आर टू टायर्स, अपर एंड लोअर। ओके अब याद रखो ये अब आगे डेवलप होने वाला है, पर डेवलपमेंट कैसे होगा? हाइपोफाइसिस प्लस, कैन यू सी दिस लोअर लेयर? ओके सो रिमेम्बर ये जो लोअर लेयर के सेल्स है, ओके ये लोअर लेयर के सेल्स बनाने वाले हैं समथिंग कॉल्ड एज रेडिकल एंड हाइपोकॉटिल। ओके हाइपो मतलब नीचे, कॉटिलेडन के नीचे वाले हिस्से को हम बोलेंगे हाइपोकॉटिल। सो दिस लोअर टायर के सेल्स विल डिवाइड टू फॉर्म रेडिकल एंड हाइपोकॉटिल।
रेडिकल डेवलप होकर बनाएगा रूट, और रूट के एंड में हमेशा होता है रूट कैप। ये रूट कैप किससे डेवलप होता है? हाइपोफाइसिस। सो हाइपोफाइसिस आगे चल के किसके डेवलपमेंट में मदद करेगा? रूट कैप। अब आते हैं ये अपर वाले लेयर को। अगर हम देखेंगे तो ये जो अपर वाला फोर सेल्स का स्ट्रक्चर है, इसमें से आगे चल के बनाने वाले हैं हम कॉटिलेडन और बनाने वाले हैं हम प्लूमूल। सो जस्ट रिमेम्बर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो विच इज नथिंग बट एन ऑक्टांट में सबसे नीचे वाले हैं बनाएंगे रेडिकल एंड हाइपोकॉटल, और ऊपर के चार सेल्स बनाने वाले कॉटिलेडन एंड प्लूमूल, एंड हाइपोफाइसिस बनाने वाला है रूट कैप। सस्पेंसर का काम क्या है? टू पुश द एम्ब्रियो अपवर्ड्स। ग्रेजुअली इसमें सेल डिविजन होगा, और जब सेल डिविजन होगा तो क्या होगा? ये तुम्हारा अगेन सस्पेंसर, ये तुम्हारा ऑस्टोरियम, ये तुम्हारा हाइपोफाइसिस, ये इनिशियली है तुम्हारा रेडिकल एंड हाइपोकॉटल, एंड ग्रेजुअली अ सेल डिविजन विल टेक प्लेस दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सम स्ट्रक्चर लाइक दिस। अब ये किसके जैसा दिखता है? ये दिखता है हार्ट के जैसा। सो दिस इज नथिंग बट योर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो ग्लोब्यूलर से ग्रेजुअली हमारा एम्ब्रियो कैसा बन गया? हार्ट शेप। अब ये हार्ट शेप में कैन यू सी दो अलग अलग इनिशियल्स बन गए, अलग अलग पार्ट्स बन गए। ये एक्चुअली है कॉटिलेडन। धीरे धीरे इनमें और डेवलपमेंट होगा, एंड देर विल बी ग्रोथ, एंड देर विल बी ग्रेजुअल टर्न। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये है तुम्हारा सस्पेंसर, ये है तुम्हारा ऑस्टोरियम, ओके, एंड ग्रेजुअली दीज विल ग्रो एंड दीज विल स्टार्ट बेंडिंग लाइक दिस, ओके, दिस विल स्टार्ट बेंडिंग, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट फॉर्म्स द एम्ब्रियो। अगेन याद है, ये दो चीजें, ये दो चीजें, ये दो जो दो चीजें जो बनी है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉटिलेडन, ओके। सो दिस इज द कॉटिलेडन। अब कॉटिलेडन के नीचे ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनल एक्सिस, ओके। अब कॉटिलेडन के नीचे जो है उसको हम बोलेंगे हाइपोकॉटल, और कॉटिलेडन के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं एपिकॉटल। हमने सिर्फ देखा एम्ब्रियो कैसे बना, तो अभी ग्रेजुअली हमने देखा कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो बना, ओके, इट इज समथिंग लाइक दिस। सो दीज आर द सस्पेंसर सेल्स, ओके, एंड दिस इज हाउ द एम्ब्रियो डेवलप्स। डू यू रियलाइज दैट दिस एम्ब्रियो लुक्स लाइक अ हॉर्स शू, घोड़े की नाल देखी है? सो हार्ट शेप के बाद ये जो एम्ब्रियो बना, इसको हम बोलेंगे हॉर्स शू शेप्ड, ओके। अब ये हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो कहां पे है? इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। ग्रेजुअली द ओव्यूल विल डेवलप इनटू अ सीड, एंड द एम्ब्रियो विल बी प्रेजेंट इनसाइड द सीड। अच्छा, अब ये जब ओव्यूल अगर सीड में कन्वर्ट होगा, तो याद है यहाँ पे दो इंटेग्यूमेंट्स है, इसलिए ओव्यूल को हमने बोला था बाइटेगमेंट। These integuments will harden and will form a protective covering that is going to protect your embryo in later stage. धीरे धीरे ओव्यूल बनने लगेगा सीड, एंड ये बाहर का जो ओवरी है ये बनने लगेगा फ्रूट। कैसे दिखता है हमारा सीड और कैसे डेवलप होता है हमारा फ्रूट, वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, ओके। जस्ट एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो हमें डिटेल में नहीं देखना है, हमने जो अब तक के डेवलपमेंट बताया दैट इज अ डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ओके, डाइकॉट सीड का। मोनोकॉट में भी मोर और लेस सिमिलर होगा, बस मोनोकॉट में ऑक्टेंट तक के जो स्टेज है वो सिमिलर है। बाद में यहाँ पे तुम देख रहे हो दो कॉटिलेडन बन रहे, मोनोकॉट में सिर्फ एक कॉटिलेडन बनेगा। कैसे दिखेगा सीड वो हम देखते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।